अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि ऑनलाइन एमसीक्यूज़ कैसे डेवलप किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज़ डेवलप करने के लिए आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन इज़ योर जीमेल अकाउंट, नंबर टू इज़ इंटरनेट एक्सेस, एंड नंबर थर्ड इज़ कि एमसीक्यूज़ जो आपने ऑनलाइन कन्वर्ट करने हैं वो एमएस वर्ड के ऊपर आपके पास मौजूद होने चाहिए। उससे आपका जो वर्क है बहुत इजी हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ जीमेल अकाउंट, इंटरनेट एक्सेस, और मेरे पास आप ये देख सकते हैं कि एक एमसीक्यूज़ डेवलप हुआ हुआ है। ठीक है, ये इसमें नंबर है, फर्स्ट नंबर है, चार इसके आंसर्स हैं और ये नीचे उसका सही आंसर है। अभी हमें क्या करना है, हमें गूगल में जाना है, वहाँ पे जाकर लिखना है गूगल ड्राइव। ये ड्राइव ओपन हो गई है। मेरे पास ऑलरेडी गूगल ड्राइव है तो मैं गो टू गूगल ड्राइव। ये मेरे पास जो गूगल ड्राइव है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे न्यू का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करें। न्यू को क्लिक करने के बाद मोर में आएंगे। मोर में आपके पास गूगल फॉर्म है, ठीक है, तो गूगल फॉर्म में जाएंगे, आप ब्लैक फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अनटाइटल्ड फॉर्म मतलब यहाँ पे आप इसका नेम लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं, नाम लिखते हैं क्विज मेकिंग, ठीक है। और किस सब्जेक्ट का क्विज है, हमारे पास ये है एनाटॉमी, क्विज, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड पे आप देख रहे हैं ये प्लस, अब जैसे यहाँ पर लेकर आएंगे कर्सर तो यहाँ पे इसके जिस चीज़ का बटन है साथ में वो पॉपअप हो जाएगा, ऐड क्वेश्चंस, इम्पोर्ट क्वेश्चन, मतलब कि अगर आपके पास ऑलरेडी ऑनलाइन क्विज डेवलप है तो आप उससे क्वेश्चन ले सकते हैं। ये टाइटल को ऐड करने के लिए, कोई इमेज ऐड करने के लिए, कोई वीडियो ऐड करने के लिए, और ये होता है कि सेक्शन में डिवाइड करने के लिए। इनके फंक्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आप सबसे टॉप में जाएँ तो ये है ऐड ऑन्स, मतलब आप मुख्तलिफ फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ये थीम्स आएंगी, हम इसको लेटर ऑन देखते हैं। ये प्रीव्यू के क्विज डेवलप होने के बाद किस किस्म का दिखेगा, सेटिंग, तो हम लोग जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे तो तीन ऑप्शन है, जर्नल, प्रेजेंटेशन, क्विजेज, हम क्विजेज में जाएंगे और इस फॉर्म को हम लोग एक्चुअली कन्वर्ट करेंगे क्विजेज में। तो मेक दिस क्विज, आपने इस फंक्शन को ऑन करना है। ये फंक्शन ऑन हुआ, अब ये आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ग्रेड हैं इस क्विज के वो आपने कब रिलीज़ करने हैं, इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन, लेटर ऑन आफ्टर मैनुअल रिव्यू, कि आप चाहते हैं कि मैं खुद पहले इस क्विज को देख लूँ और फिर मैं स्टूडेंट को इसके जो नंबर्स हैं वो इन्फॉर्म करूँ। मैं इसको अभी करता हूँ, जो क्लिक इमीडिएट के ऊपर। फिर ये है कि जो स्टूडेंट है वो क्या चीज़ें देख सकता है, मिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर्स और पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू का मतलब यह है कि नंबर्स, तो मैंने इन तीनों चीज़ों पे टिक किया और फिर इसको सेव किया। तो अब ये जो हमारा फॉर्म है ये एक्चुअली क्विज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। तो क्विज़ में सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम आना चाहिए, तो स्टूडेंट नेम,
यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस की टाइप आ गई है कि शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, एमसीक्यू चाहिए। तो स्टूडेंट क्योंकि अपना नेम लिखेगा तो वो क्या शॉर्ट आंसर में होगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मीन के स्टूडेंट को ये क्वेश्चन या ये स्पेस फिल करना कंपलसरी है। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, इधर ऐड पे आई हैव टू क्लिक ऐड। अब देखें, अब मेरे पास जो वर्ड पे एमसीक्यूज़ बना हुआ है, मैंने इसको क्वेश्चंस को कॉपी किया, ठीक है, और सिंपल जाके मैंने क्वेश्चन में इसको पेस्ट किया, ठीक है। दोबारा मैंने जो इसके 4 मल्टीपल आंसर्स थे उनको सेलेक्ट किया, चारों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल सी से। और अब देखें जो ऑप्शन 1 है, यहाँ पे जाके मैं जैसे ही कंट्रोल वी करूँगा यानी पेस्ट करूँगा तो वो अपने सीक्वेंस से खुद बखुद पेस्ट हो जाएंगे, कि आपको 1 बाय 1 इसको पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया है एमसीक्यूज़। आप इसको डिफरेंट चेकबॉक्स में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, आप इसको ड्रॉप डाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ तो मैं इसको मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करता हूँ। अब मेरा एक क्वेश्चन ऐड हो गया, अब मैंने इसकी एंटर करनी है आंसर की, तो मैं आंसर की पे क्लिक करूँगा। अब वो आपसे ये पूछ रहा है इधर पॉइंट्स, मतलब कि आप इस क्वेश्चन को कितने नंबर देना चाह रहे हो, 0.5, 1, 1.5 या 2। तो मैं इसको स्टैंडर्ड नंबर 1 एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, तो मुझे देखने दें कौन सा सही आंसर है, विच इज़ आंसर ए। तो मैंने आंसर ए को सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन मीन कि जो आंसर ए है वो सेलेक्ट हो गया। एड आंसर फीडबैक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत करेगा तो उसके नीचे फीडबैक क्या आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे फीडबैक जो है वो लिखा हुआ है कि आंसर इज़ ए, और उसका मैंने रैशनल दिया हुआ है कि ये आंसर ए ठीक क्यों है। तो अगर कोई पर्सन इस क्वेश्चन को रॉन्ग करेगा तो उसके पास इसका फीडबैक आ जाएगा। सेकंड है द करेक्ट आंसर, अगर कोई इस आंसर को सही करता है तो मैं फिर भी इसके फीडबैक में यही आंसर लिख देता हूँ ताकि उसको पता चले कि जो इसका क्वेश्चन सही हुआ है तो उसका रैशनल क्या है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। आप डन करेंगे, मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ, ऐड क्वेश्चन जो ऑलरेडी क्वेश्चन मेरे पास बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, सेम मैंने ये चारों आंसर कॉपी किए, और अब मुझे देखना है कि आंसर ए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये सही आंसर है। मैं आंसर की पे जाऊंगा, आंसर की को प्रेस करूंगा तो ये फंक्शन ऑन होगा। पॉइंट मैंने इसको एक नंबर दे दिया, आंसर ए करेक्ट है। ऐड आंसर फीडबैक, इनकरेक्ट में भी यही दे रहा हूँ और करेक्ट में भी यही आंसर दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है, ये जो कंप्लीट ये क्वेश्चनर है, ये ऐड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, सॉरी। ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ गया और यहाँ पे आपने क्वेश्चन को ऐड कर दिया। तो मेरी जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें मैं आप बताऊँगा कि आप इसके लेआउट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।